हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एसई कंप्यूटर के अगेन बेस्ट 25 क्वेश्चंस। आज है इसका डे 6। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक सभी सेशंस को देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे अपने, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इतना आसान नहीं है। जो क्वेश्चन का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ रहता है। और अभी तक के सेशंस में आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि मैं भी जो क्वेश्चन का लेवल लेकर चल रहा हूँ वो मॉडरेट टू टफ है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो जो टफ चीजें हैं वो आपको आसान लगने लगती हैं। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैटर करता है कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना मजबूत किया है, मैटर करता है कि आपने कितने एमसीक्यूज, कितने मॉक टेस्ट लगाकर देखे हैं। तो आइए आज के सेशन में एक बार फिर से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ये सेशंस जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर, वीपीओ, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इन सभी का जो दोस्तों सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। यानी इन सभी केसेस में आप जानते हैं कि जो टॉपिक्स कवर अप होंगे वो यही टॉपिक्स होंगे, और इन टॉपिक्स पे खास तौर पर आपको अटेंशन देना होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आपको साफ साफ टॉपिक्स गिवन हैं और फिर भी आप उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है। इन टॉपिक्स को कवर कहाँ से करना है, कैसे आप पूरे कॉन्सेप्ट वाइज चीजों को समझ सकते हैं, आंसर है वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एस सी कॉन्सेप्ट एमसीक्यू पीडीएफ मॉक टेस्ट के साथ कंप्यूटर का फुल कोर्स, जहां पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है टोटल वीडियो 60+ 70+ आवर्स का कंप्लीट कोर्स, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन। एक बार अगर आप इससे पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी पीडीएफ को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई दूसरी बुक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं। यानी कंप्यूटर के लिए आप पूरे तरीके से डिपेंड रह सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से जिसकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स? आईओएस यानी गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर पर जाकर आप अरोड़ा एजुकेटर टाइप करिएगा, वहां आपको एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद यूपी ट्रिपल एससी वाले कोर्स पर क्लिक करिएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं कुछ और मजेदार क्वेश्चंस पर। प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद हो तो, और आप सभी ने इसका आंसर भी दिया था, और आप लोग कह भी रहे हैं कि सर स्कोर लगातार बढ़ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आपका स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऑफ द डे प्रीवियस सेशन यानी इसके पहले वाले सेशन का, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसमें नापा जाता है? जब हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये बात आप जानते हैं कि प्रिंटर का मेन काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का। जब हम बात करते हैं प्रिंटर की तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जो मेन कैटेगरी रहती है वो है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि बहुत रफ काम करते हैं, जो पुराने वाले प्रिंटर्स थे दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। लेकिन इसके बाद आए आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें थर्मल, इंकजेट, लेजर जैसे प्रिंटर्स को रखा गया या प्लॉटर को रखा गया। तो ये हो गए आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि काफी फास्ट भी थे। और यहां से अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर की क्वालिटी को किसमें नापा जाता है, द करेक्ट आंसर इज डीपीआई,
डॉट्स पर इंच में, यानी सेकंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन में बदलाव भी कर देते हैं, क्वेश्चन में यह भी पूछ लेते हैं कि आउटपुट क्वालिटी की जगह पर लिखा होता है द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर की जो परफॉर्मेंस है, जो गुणवत्ता है, उसको किस में नापेंगे। तो करेक्ट आंसर फिर भी यही होगा, डॉट्स पर इंच डीपीआई। आप देख भी सकते हैं यहां पर 72 DPI में आपको इस बच्चे की जो फोटो है वो ब्लर दिख रही होगी, लेकिन 300 DPI में इसी की जो आपको इमेज है वो आपको बहुत क्लियर दिख रही होगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डॉट्स पर इंच, वेरी गुड। पर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बताइएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इंप्लाइज गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का तात्पर्य डैश के अनुप्रयोग के साथ सरकारी कामकाज से है, बताइए। ऑप्शंस हैं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी या मेमोरी। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है जो ई गवर्नेंस होती है वो सरकारी कामकाज को कैसे करती है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की मदद से जो गवर्नमेंट के काम है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, या आईसीटी की रिक्वायरमेंट होती है, या मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। द करेक्ट आंसर इज आईसीटी। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है सरकारी कामकाज को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा। हमें क्या चाहिए, अगर हम डिजिटल मीडियम्स के द्वारा गवर्नमेंट के काम को कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं या जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हमारे पास में इसकी इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है? जी हाँ। क्या एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए सरकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से हम अपडेट रह सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईसीटी बोलते हैं, इसमें क्या-क्या चीजें शामिल हैं, सरकार आईसीटी की मदद से कैसे डिजिटल के माध्यम से अपनी चीजों को काफी आसान कर रही है। तो आईसीटी में बेसिकली इंक्लूड होता है क्या क्या, आईएएस पर भी बात कर लेते हैं। इंटरनेट, सबसे पहली बात है आईसीटी है क्या, ये इंटरनेट का एडवांस फॉर्म है। अभी तक कहा जाता था कि अगर हमें सरकारी कामकाज करने हैं तो इंटरनेट का होना जरूरी है, लेकिन आजकल के टाइम पर इंटरनेट के साथ साथ क्या क्या चीजें और होनी चाहिए, वायरलेस नेटवर्क होना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन फास्ट मैनर में हो, सेलफोन्स का होना जरूरी है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जरूरी है, सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, मिडलवेयर यानी ड्राइवर्स का होना जरूरी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे सॉफ्टवेयर्स का होना जरूरी है, और सोशल नेटवर्किंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, एक्स जैसी एप्लीकेशंस का होना जरूरी है, तभी हम गवर्नमेंट से टच बना रखेंगे और अपडेट रहेंगे गवर्नमेंट के कामकाज को लेकर। तो आईसीटी में मेनली इतनी चीजें आपकी काउंट की जाती हैं, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, डैश इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। डैश भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। अभी तक हम लोगों ने यह समझा कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि अगर आप हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आईसीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपको होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको सामंजस्य बैठाना होगा। अब इसको बैठाने के लिए सरकार ने क्या किया,
कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी, कई सारे प्लान लॉन्च करे, जिसमें से आपको बताना है सबसे वो इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स अवेल कर पाए, उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया। NEGP, IECT, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या IETF, क्या बनाया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया एक पोर्टल दैट इज कॉल्ड NEGP। NEGP का मतलब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। सरकार ने कहा हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, हम किस तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे और अपने सिटीजन्स के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया दैट इज कॉल्ड NEGP, जहां एन का मतलब है नेशनल, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, जी का मतलब है गवर्नेंस और पी का मतलब है प्लान। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्लान, ये पोर्टल बना दिया गया सरकार के द्वारा। समझ में आया? वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, अ डैश इज अ वर्ड और कीवर्ड फ्रेज यूज्ड विद इन अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। डैश एक शब्द या कीवर्ड वाक्यांश है जिसका उपयोग सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट में किया जाता है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया मतलब हम बात कर रहे हैं ट्विटर की यानी एक्स की, हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स की, या हम बात कर रहे हैं लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो यहां पर अगर हमें कोई कीवर्ड ऐड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं जिससे कि वो कीवर्ड पॉपुलर हो जाए, जिससे कि वो पोस्ट पॉपुलर हो जाए? एट दी रेट, एस्ट्रेक, डॉलर या हैश? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। दी करेक्ट आंसर इज हैशटैग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हैशटैग का प्रयोग किया गया ट्विटर में, जिसको बाद में एक्स के नाम से जाना गया, है ना? अब हम लोग ट्विटर को क्या कहते हैं, एक्स के नाम से जानते हैं। और हैशटैग की मदद से हम किसी भी कीवर्ड को पॉपुलर कर पा रहे थे ट्विटर यानी एक्स में। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द इन्वेंटर ऑफ द हैशटैग एज इट इज करेंटली यूज्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। डैश हैशटैग के आविष्कारक हैं क्योंकि यह वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग ने देखा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि हैशटैग का प्रयोग हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ही करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो या एक्स हो, इन सभी में हम लोग हैशटैग का प्रयोग करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बना कि बताइए हैशटैग बनाया किसने, हु इज द इन्वेंटर ऑफ हैशटैग, हैशटैग के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन? बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो ईमेल बनाया, हैशटैग नहीं। क्रिस मैसीना? बिल्कुल सही, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हैशटैग। टिम बर्नर्स ली भी नहीं, क्योंकि टिम बर्नर ली ने क्या क्या बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, HTTP, HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, TCP/IP, इन सबको बनाने वाले कौन हैं? टिम बर्नर्स ली हैं। जेम्स गॉसलिंग जावा के फाउंडर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके पापा हैं जेम्स गॉसलिंग। तो बचा क्या, क्रिस मैसीना, ये शख्स जिन्होंने हैशटैग का प्रयोग सबसे पहले किया, मेटा टैग को बनाया और मेटा टैग को इंप्लीमेंट करने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया, क्रिस मैसीना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन डैश बाई ब्रेन एक्टॉन एंड जैन कोयू। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रेन एक्टन और जॉन कोयुम द्वारा डैश में की गई। हम जानते हैं कि व्हाट्सएप क्या है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि कहता है कि मैं पूरे तरीके से सुरक्षित हूं। व्हाट्सएप की बात करें, ये किस ईयर में फाउंड किया गया, इसके फाउंडर के नाम भी याद रखिएगा, ब्रेन एक्टॉन एंड जैन कोयुम, इन दोनों ने मिलकर बनाया क्या व्हाट्सएप, कब? 2009 में।
यानी 2009 में व्हाट्सएप बना था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, व्हाट्सएप वॉज फाउंडेड इन 2009 यानी 2009, किसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा, जिसमें पहले शख्स हैं ब्रैनेक्टॉन एंड सेकेंड वन इज जैन कोयू। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज एन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। कह रहा है डैश एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन या कू। अगर हम अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग की बात करें, अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सर्विस की बात करें, तो उसमें नाम आता है ट्विटर का, जिसे अब एक्स कहा जाता है। लेकिन इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग भी वेबसाइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है जहां पर ब्लॉग लिखने के लिए लिमिटेशंस हो कि इतने कैरेक्टर से ज्यादा हम नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस। इंडिया के केस में जो नाम है वो शायद आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज वेरी वेरी पॉपुलर वन, बेंगलोर की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड कू एप्लीकेशन। तो ये जो कू है इसको बनाया गया बेंगलोर कंपनी के द्वारा, और ये बनी इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या सर्विस। येलो कलर के लोगों से इसको दिखाया जाता है और यहां पर एक बर्ड रखी गई है, दैट इज कॉल्ड कू। वेरी गुड। दिस इज बेस्ड ऑन द IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड। यह है IEEE 802.15.4 मानक पर आधारित है। क्या है, ब्लूटूथ, जिगबी, वाईफाई या इथरनेट। जब हम बात करते हैं IoT की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, हम बात करते हैं जिगबी प्रोटोकॉल की, हम बात करते हैं वाईफाई की, हम बात करते हैं कई अलग अलग प्रोटोकॉल्स पर, जैसे यू कैन से MQTT, है ना, जो कि सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल मानी गई है। जब भी हम लोग बात करते हैं IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो MQTT प्रोटोकॉल बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल भी है। लेकिन यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक स्टैंडर्ड के बारे में, 15.4, जो कि रिजर्व करता है जिगबी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जिगबी का IEEE स्टैंडर्ड क्या है। 802.15.4 ये रिप्रेजेंट करता है जिगबी को। अब दोस्तों अगर बात करें कि ये IEEE क्या चीज है, तो आप जानते होंगे कि IEEE एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जो ये डिफाइन करता है कि वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.11, जो ये डिफाइन करता है कि ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.3, जो ये डिफाइन करता है कि अगर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, 802.15। ब्लूटूथ की बात करते हैं तो 802.15.1 ये ब्लूटूथ को रिजर्व करता है। तो हर एक प्रोटोकॉल के लिए एक IEEE स्टैंडर्ड यानी मानक बना दिया गया, जिससे कि हम किसी भी प्रोटोकॉल को उसके स्टैंडर्ड से पहचान पाए। और जिगबी का बना क्या, 802.15.4। अब जिगबी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया है कि अगर हमें होम ऑटोमेशन करना है, लो एनर्जी या लो कंजप्शन ऑफ बैटरी, हम चाहते हैं कि बैटरी हमारी लंबी चले, हम चाहते हैं कि पावर कंजप्शन बहुत लो तरीके से हो, तो हम लोग प्रयोग करते हैं होम ऑटोमेशन पर्पस से जिगबी नाम की प्रोटोकॉल का। और यहां पर आपको यह भी याद रखना है कि इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.15.4। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ट्रिगर द अमेज़न इको IoT डिवाइस। हम लोग सब जानते हैं कि IoT डिवाइसेस उनको बोलते हैं जो हमारे इशारों पर काम करें। इशारों का मतलब जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर
हमारे क्वेश्चन का आंसर्स करे, जो हम पूछें वो हमें रिप्लाई करे, हमें टाइम टू टाइम अपडेट दे, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, इंटरनेट से कनेक्ट करे, उसे बोलते हैं आईओटी डिवाइसेस। तो कह रहा है अमेजोन के द्वारा एक इको डिवाइस बनाई गई जो कैसे काम करती है, हेलो बोलने पे, सिरी बोलने पर, एलेक्सा बोलने पर या हे बोलने पर। हम लोग जानते हैं एप्पल के केस में ये सिरी है, लेकिन अमेजोन के केस में ये क्या है, एलेक्सा। एलेक्सा बोलने पर ही ये एक्टिव हो जाती है और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर करने लगती है। ये अगर हम कहते हैं गाना बजाओ ना, तो ये हमारे लिए गाना बजा देती है। अगर हम इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर भी कर देती है डिवाइसेस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एलेक्सा। अमेज़न इको आईओटी डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज एलेक्सा। नेक्स्ट, व्हाट आईओटी कलेक्ट्स, कह रहा है आईओटी क्या एकत्रित करता है। अब आईओटी के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है, तो मुझे बताइए इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या एकत्रित करेगा, क्या कलेक्ट करेगा? डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा या ह्यूमन जनरेटेड डेटा? बिल्कुल सही बेटा, द करेक्ट आंसर इज मशीन जनरेटेड डेटा। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें मशीन हमें इन्फॉर्म करती है चीजों को लेकर, सर्वर में हमारे द्वारा दी गई रिक्वेस्ट को ढूंढती है और फिर हमें प्रोवाइड करती है। तो यानी आईओटी का मतलब क्या है, मशीन्स, जहां पर बहुत सारी मशीन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एमक्यूटीटी की मदद से, टीसीपी आईपी की मदद से। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मशीन जनरेटेड डेटा, दैट इज द मोटिव ऑफ आईओटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द आईओटी, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आईओटी में बहुत सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे मेरा मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच से कनेक्टेड है, मेरा मोबाइल फोन सर्वर से भी कनेक्टेड है, मेरा मोबाइल फोन राउटर से भी कनेक्टेड है। तो मेरा जो स्मार्टफोन है वो बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, क्योंकि वो आईओटी के बेसिस पर काम कर रहा है। मेरा स्मार्टफोन फैन से भी कनेक्टेड है, मेरा स्मार्टफोन एसी से भी कनेक्टेड है, मेरा स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी से भी कनेक्टेड है। तो आप लोग भी अपने डिवाइसेस को कई सारी चीजों से कनेक्ट करते होंगे, जो कि एक आईओटी का एग्जाम्पल है। तो बताइए ये जो कई सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ये किस प्रोटोकॉल की मदद से कनेक्टेड है? एचटीटीपी, यूडीपी, नेटवर्क या टीसीपी आईपी? द करेक्ट आंसर इज टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग जानते हैं कि टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो गारंटी करती है कि जो भी आप डेटा भेजेंगे वो सेंड होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिलेगा कि डेटा आपका सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो टीसीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जबकि आईपी और यूडीपी क्या होती है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी क्या करती है, हमें कई सारी डिवाइसेस से जोड़ने में मदद करती है। तो आंसर क्या हो गया, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कई सारी डिवाइसेस से हमें जोड़ती है आईओटी में? द आंसर इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द आईओटी सिस्टम दैट एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम? सोचो आईओटी सिस्टम का वह घटक क्या है जो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है। आईओटी का वो कंपोनेंट, वो घटक जो एग्जीक्यूट करेगा किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसके द्वारा? सेंसर के द्वारा, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा, एक्चुएटर के द्वारा या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के द्वारा? अब जरा मुझे सोच के बताइए कि एग्जीक्यूट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं
2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो आपके ब्रेन ने क्या किया, 2 और 3 को जोड़ा और आपको रिजल्ट दे दिया 5। किसने? ब्रेन ने। आपके ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन। लेकिन कंप्यूटर के ब्रेन को क्या बोलते हैं? सीपीयू या जीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर। तो आईओटी के केस में जो प्रोसेस करता है, जो एग्जीक्यूट करता है किसी भी प्रोग्राम को, वो आईओटी का ब्रेन है। और आईओटी का ब्रेन क्या है? सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, यानी सेकेंड इज द करेक्ट वन। तो याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आईओटी सिस्टम में चीजों को प्रोसेस करने की बात की जाए, एग्जीक्यूट करने की बात की जाए, तो इन सभी केसेस में आंसर क्या बनेगा? माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस, यानी ब्रेन ऑफ आईओटी, दैट इज द करेक्ट आंसर। है ना, एक चिप के फॉर्मेट में होता है ये। दिस इज द फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। और इसको कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे आपने एरड्यूनो का नाम सुना होगा ये आईओटी में, तो एरड्यूनो भी क्या है? माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी है, दैट इज कॉल्ड एरड्यूनो। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल ऑपरेट्स इन रियल टाइम एंड विद मिनिमल डिस्प्ले इन आईओटी। डैश प्रोटोकॉल वास्तविक समय में आईओटी में न्यूनतम देरी के साथ संचालित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको उस प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो आईओटी में काम करती है, लेकिन वो ऑपरेट करती है रियल टाइम पर, रोबोट्स के सेंस में रियल टाइम पर काम करवाती है विद मिनिमल डिले, और बहुत फास्ट भी काम करवाती है, डिले भी नहीं करवाती है। तो ऐसी प्रोटोकॉल कौन सी होगी? ओनली वन एंड वन, दैट इज कॉल्ड MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यानी द करेक्ट आंसर इज दोस्तों MQTT प्रोटोकॉल, जो कि रियल टाइम प्रोटोकॉल है, मिनिमल डिले के साथ, कम देरी के साथ में बिल्कुल एग्जैक्ट काम करवाती है आईओटी में, दैट इज कॉल्ड MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। यहां पर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि MQTT में M क्या है, Q क्या है, पहला T क्या है, दूसरा T क्या है, रियल टाइम प्रोटोकॉल कौन सी है जो कम डिले यानी एग्जैक्ट समय पर काम करती है, दैट इज कॉल्ड MQTT। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 types ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग के 3 प्रकार बताइए। हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने के लिए हमें मशीन लर्निंग को सीखना होता है, और मशीन लर्निंग को और एडवांस करने के लिए हमें डीप लर्निंग पर जाना होता है। और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जब बहुत सारा डेटा हमारे पास में आता है, तो उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम बिग डेटा का प्रयोग करते हैं। और बिग डेटा का प्रयोग जब करते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हडूप, जिसके द्वारा हम बड़े से बड़े डेटा को मैनेज कर पाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मशीन लर्निंग क्या है? रोबोट्स मशीन को ट्रेनिंग देना ही मशीन लर्निंग है। अरे, जब हम किसी भी रोबोट को, किसी भी मशीन को, किसी भी डिवाइस को कुछ सिखाते हैं, तो हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। जैसे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्या है? सुपरविजन है मेरा यहां पर आपके साथ। क्या है? सुपरविजन है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है? जब मैं आपको कोई भी सुपरविजन ना दूं, आप खुद बुक्स की मदद से पढ़ें, तो ये क्या होगा? अनसुपरवाइज लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? जब मैं कहूं कि अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तो मैं आपको BMW दूंगा। या मैंने कहा कि अगर आपने 25 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, तो मैं आपको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट करूंगा। ये क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब आपकी जो लर्न करने की कैपेसिटी है, क्या वो इंक्रीज हो जाएगी? जी हाँ, क्योंकि अब आपको दिख रही है वो इनाम कि सचिन सर ने कहा है कि अगर 25 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, तो आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। या मैं ये कहूं कि अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया,
तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। इससे क्या होगा, इससे जो आपकी पढ़ने की लगन है वो और बढ़ जाएगी, है ना। जैसे मैचेस में होता है, आईपीएल में ट्रॉफी भी दिखाते हैं, धनराशि भी दिखाते हैं कि इतना प्राइज आपको मिलेगा, और एक चमचमाती हुई कार भी दिखाते हैं, है ना, चीयर लीडर्स भी दिखाते हैं, ताकि इंसान को ये लगे कि अगर ये मैच हमने जीता तो हमें ये ट्रॉफी मिलेगी चमचमाती हुई, ये कार मिलेगी चमचमाती हुई, और इतने का चेक भी मिलेगा, है ना, और भी अलग अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो उस रीजन की वजह से जो प्लेयर है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है कि मैन ऑफ दी मैच भी हो सकता हूं, नाम भी हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे। तो ये कहलाती है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, जहां पर हम इन्फोर्स करते हैं सिखाने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए। लेकिन अगर काम अच्छा नहीं किया तो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, ये भी कहती है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। यानी अगर बढ़िया किया तो क्लैपिंग, और अगर अच्छा नहीं किया तो पनिशमेंट भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। तो मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है। पहली सुपरवाइज्ड, जहां पर किसी का सुपरविजन होता है, जहां कोई ट्रेनिंग देता है, मशीन्स को सिखाता है, रोबोट्स को ट्रेन करता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर मशीन्स को एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखने का मौका दिया जाता है कि मशीन गलती करे, सीखे, फिर अपने आप से सीखे, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, जहां मशीन अगर अच्छा काम करती है तो उसको अप्रेस किया जाता है, और अगर मशीन खराब काम करती है तो उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। जैसे आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि अगर रोबोट सही से काम नहीं करते तो उनको हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो ये है उनका पनिशमेंट। लेकिन अगर वो बढ़िया काम करते हैं तो उनको एक्सप्रेशंस भी दिए जाते हैं, उनको और अच्छा भी बनाया जाता है, उनको अपडेट भी किया जाता है, और साथ ही साथ उनकी तारीफ भी की जाती है। तो जैसे इंसान तारीफों से खुश होते हैं, वैसे मशीन्स में भी फीलिंग्स जगाई जाती हैं, ताकि जब उनकी तारीफ की जाए तो वो भी मोटिवेट हो। वेरी गुड, तो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट, इन एमएस ऑफिस डैश इज दी सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल। कह रहा है एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो मेल्स को मैनेज करता है? जी हाँ, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एमएस आउटलुक। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। हम जानते हैं एमएस एक्सेस क्या है। एमएस ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस या आरडीबीएमएस। एमएस पब्लिशर क्या है? बुक्स पब्लिश करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। वन नोट क्या है? अगर हमें कोई नोट्स बनाने हैं, कोई शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टाइप करने हैं, तो एमएस वन नोट में हम कर सकते हैं। और आउटलुक क्या है? जिसको सबीर भाटिया के द्वारा बनाया गया था, और इसका पहले का नाम क्या था? हॉटमेल। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को खरीद लिया और इसको नाम क्या कर दिया गया? आउटलुक। तो एमएस आउटलुक क्या शुरुआत से ही एमएस आउटलुक था? नहीं, इसको डेवलप किया था सबीर भाटिया ने। सबीर भाटिया ने इसको जो नाम दिया था वो था हॉटमेल, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की हॉटमेल पर नजर पड़ी और माइक्रोसॉफ्ट ने सबीर भाटिया से कहा, ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर, और उसके बदले में उसको कई सारे पैसे भी दिए और खरीद लिया। खरीदने के बाद उसका नाम बदल दिया, दैट इज कॉल्ड एमएस आउटलुक, जो कि इस समय माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर भी है। तो एमएस आउटलुक इज ऑल्सो कॉल्ड द पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वेरी गुड। ईमेल इज अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू। ईमेल की व्यवस्था किसके संबंध में की जाती है? डेट और टाइम, नेम, सब्जेक्ट या क्लाइंट एंड सर्वर। क्या होगा आंसर? जब भी कोई मेल आपके पास में आता है तो वो कैसे अरेंज हो जाता है? जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले दिखने लगता है, यानी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, वो अरेंज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा?
एज पर दी डेट एंड टाइम। क्या डेट और टाइम हमें देना पड़ता है? जी नहीं, ये डेट और टाइम ईमेल खुद ब खुद ले लेता है। जैसे ही कोई मेल आता है उसका डेट भी हमें दिखने लगती है और उसकी टाइमिंग भी हमें दिखने लगती है। तो दैट इज ऑटो सिंक्रोनाइज वाया मेल। वेरी गुड। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल? ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? क्या जितनी भी हमारी जीमेल है, याहू मेल है, क्या ये सब सुरक्षित है? क्या सारी ईमेल सुरक्षित है? आंसर है नहीं। अगर सुरक्षित नहीं है तो इसको किसी ना किसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती होगी। जी हाँ, उस सिक्योरिटी का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पीजीपी, प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो ईमेल में यूज होने वाली जो सिक्योरिटी है उसे क्या बोला जाता है? प्रेटी गुड प्राइवेसी। प्रेटी गुड प्राइवेसी का इस्तेमाल और भी बहुत जगह पर करते हैं, जहां पर हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जहां डेटा को इंक्रिप्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेटी गुड प्राइवेसी नाम की प्रोटोकॉल का। और ईमेल में सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी यूज होती है वो है प्रेटी गुड प्राइवेसी। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन ब्राउजर टोटल डैश कुकीज आर अलाउड। ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज की अनुमति है? कुकीज क्या है? इंटरनेट पर जो हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी को देखे, स्टोर करे, वही तो है कुकीज। जो हमारे पासवर्ड को स्टोर कर ले, जो यूजर नेम को स्टोर कर ले, जो ये देखे कि ये बंदा इंटरनेट पर क्या कर रहा है, सारी गतिविधियों पे जो नजर रखे वो है कुकीज। पर आजकल सारी वेबसाइट कुकीज इनेबल करवा लेती है आपसे, है ना? आप यस करते हैं तो भी कुकीज इनेबल हो जाती हैं, आप नो करते हैं तो भी कुकीज इनेबल हो जाती हैं, क्योंकि यस और नो पर जो कोड लगाते हैं इंजीनियर वो सेम लगाते हैं। तो आप यस करें तो अपनी मर्जी से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुकीज को, और नो करते हैं तो उनकी मर्जी से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कुकीज को। तो होना तो यस है। तो इन ब्राउजर टोटल कितनी कुकीज अलाउड होती हैं? आंसर है 300 कुकीज। एक ब्राउजर में कुल कितनी कुकीज को स्टोर किया जा सकता है? 300 कुकीज। क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल। कौन भेजता है? सर्वर। स्टोर कहां पर होती हैं? क्लाइंट यानी ब्राउजर पे। तो याद रखिएगा कुकीज क्या है। कुकीज एक छोटी टेक्स्ट फाइल्स हैं जो इंटरनेट पर हमारे द्वारा की गई सभी चीजों की निगरानी रखती हैं। और इसको भेजता कौन है? बिना हमारी परमिशन के सर्वर भेजता है। ये स्टोर कहां पर होती हैं? क्लाइंट यानी ब्राउजर में इनको स्टोर किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। कह रहा है वह केंद्रीय संगठन जो वेब मानकों को बनाने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब यानी इंटरनेट पर जो भी कुछ हो रहा है, वेब पर जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई तो संस्था होगी, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो चीजों को देख रही होगी, मैनेज कर रही होगी, HTML को देख रही होगी, CSS को देख रही होगी, कोई तो एक संस्था होगी। दैट इज कॉल्ड W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि पूरे वेब पर होने वाली चीजों पर निगरानी रखती है। कोई एडवांस की रिक्वायरमेंट है, 4G से 5G आया, 5G पर किसका कंट्रोल है? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। इसमें कई लोग बैठे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम में, जो निर्देश देते हैं कि नहीं, ऐसे करो, ये हानिकारक हो सकता है सोसाइटी के लिए, ये मत करो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोलिंग देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वेब में, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C के नाम से इसको जाना जाता है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? ब्रॉडबैंड का मतलब ब्रॉड बैंडविथ, ब्रॉडबैंड का मतलब
हाई स्पीड। तो कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो ब्रॉडबैंड नहीं है, मतलब हाई स्पीड नहीं। अगर हाई स्पीड नहीं होगा तो क्या लो स्पीड की बात हो रही है? जी हाँ। तो आपको इसमें से बताना है ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जो लो स्पीड पर काम करता है, जो कम स्पीड पर काम करता है, जो ब्रॉडबैंड नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डायल अप कनेक्शंस। जो सैटेलाइट है वो ब्रॉडबैंड है, हाई स्पीड। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसको ब्रॉडबैंड ही बोलते हैं। डीएसएल का दूसरा नाम ही ब्रॉडबैंड है। डायल अप कनेक्शंस यानी टेलीफोन लाइन कनेक्शंस, जहां मॉडम का प्रयोग होता है, ये स्लो कनेक्शंस में आते हैं। तो पहले के समय में जो भी कनेक्शन होते थे वो कैसे होते थे? वाया टेलीफोन लाइंस, वाया मॉडम। और ऐसे कनेक्शंस को हम किस में रखते हैं? स्लो कनेक्शंस में। और स्लो कनेक्शंस में हम क्या बोलते हैं? डायलअप कनेक्शंस। वेरी गुड। केबल, ये तो बहुत फास्ट कनेक्शंस हैं। ईथरनेट कनेक्शंस, केबल कनेक्शंस आर वेरी फास्ट कनेक्शंस, है ना? जैसे कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल, वेरी वेरी फास्ट टाइप कनेक्शन। लेकिन डायल अप आपके स्लो है। वेरी गुड। हु फर्स्ट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत किसने की? ये तो पता होगा आपको कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बीएसएनएल, भाई साहब नहीं लगेगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, या वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बिल्कुल सही। एंड द करेक्ट आंसर इज वीएसएनएल। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत की गई वीएसएनएल के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, पर आगे चलकर वीएसएनएल को खरीद लिया टाटा के द्वारा, यानी टाटा कॉम्युनिकेशंस अब नाम हो चुका है किसका? वीएसएनएल सेवा का। तो वीएसएनएल को खरीद लिया है किसने? टाटा कॉम्युनिकेशंस के द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हु फर्स्ट स्टार्टेड इंटरनेट इन इंडिया? वीएसएनएल और टाटा कॉम्युनिकेशंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजिंग। हम वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करके एक्सेस करते हैं क्या? ब्राउजर्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, हाई बैंडविथ, या सर्च इंजन। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब इंटरनेट पर स्टोर इंफॉर्मेशन को खोज के निकालना, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। और इंफॉर्मेशन को खोज के निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउजर। तो वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, हमें जिस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? ब्राउजर। ब्राउजर बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एज, एप्पल का सफारी। जिसमें ओपन सोर्स की कैटेगरी में जो ब्राउजर आता है वो कौन सा है? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड मोजिला फायरफॉक्स, दैट इज ओपन सोर्स ब्राउजर। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड मोजिला फायरफॉक्स। और मोजिला फायरफॉक्स के ऊपर जो जानवर की इमेज है वो कौन सी है? बताया था ना प्रीवियस सेशन में, दैट इज पांडा और रेड पांडा। तो ये जो जानवर की इमेज आपको दिख रही है मोजिला में, ये किसकी है? रेड पांडा की है। वेरी गुड। WWWW स्टैंड्स फॉर। अभी तक तो हम लोग 3 W की बात कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर तो हमें एक W और फ्री मिल रहा है। बाय 3 गेट 1 W फ्री, 3 के साथ में एक W और फ्री मिल रहा है, ये क्या है? WWWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या चीज है? सर्च इंजन। फर्स्ट सर्च इंजन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। हुआ क्या? हुआ ये कि सर्च इंजन बनाने की रिक्वायरमेंट हुई और वर्ल्ड वाइड वेब बन चुका था, तो कहा गया पहला सर्च इंजन बनाया जाए। पहला सर्च इंजन बनाने की कड़ी में जो सर्च इंजन निकल के आया, दैट इज कॉल्ड
वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, या जिसको कई बार वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आगे चलकर इसका नाम नेक्सस किया गया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब से ये काफी कंफ्यूज कर रहा था। तो पहला जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, या इसका जो नेम चेंज किया गया दैट इज कॉल्ड नेक्सस, है ना। तो याद रखिएगा फर्स्ट सर्च इंजन, वेरी गुड, जिसको आगे चलकर आर्ची भी कहा गया, है ना, जिसमें और एडवांसमेंट की गई और इसको आर्ची का नाम भी दिया गया, लेकिन लेटर स्टेज में जाकर। तो आपको बस याद इतना रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म क्या है, सर्च इंजन है फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, इन विंडोज 10 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपेंड व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस्ड 5 टाइम्स। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडोज 10 या 11, इसमें अगर हम शिफ्ट की को 5 बार दबाते हैं तो क्या होगा। विंडोज 10 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जब शिफ्ट की को 5 बार दबाया जाता है, आप सब जानते हैं स्टिकी कीज आर इनेबल। इस केस में स्टिकी कीज इनेबल हो जाती हैं। स्टिकी कीज इनेबल होने का मतलब क्या है कि अगर किसी ऐसी शॉर्टकट की जिसको हम 3 फिंगर्स की मदद से दबा रहे हैं उनको अलग अलग भी दबा सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो हम कंट्रोल दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट रीबूट करने के लिए। लेकिन सपोज करो कोई एक ऐसा पर्सन है जो इन 3 कीज को एक साथ नहीं दबा पाता, उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं दबा पा रहा है 3 कीज एक साथ, फिर क्या होगा। तब उसके लिए शिफ्ट की को अगर वो 5 बार दबाएगा तो स्टिकी कीज इनेबल हो जाएंगी। अगर हम इसको यस करते हैं तो हम कंट्रोल को अलग दबा सकते हैं, ऑल्ट को अलग दबा सकते हैं, डिलीट को अलग दबा सकते हैं, तो ये अलग अलग भी दबा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टिकी कीज, वेरी गुड। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्क बिटवीन कंप्यूटर्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। विंडोज 3.1, 95, विंडोज 2000 या विंडोज NT। विंडोज 2000 ये तो नेटवर्किंग के लिए बेस्ट माना जाता है। विंडोज 2000 सर्वर बोला जाता है, विच इज बेस्ट फॉर द नेटवर्किंग पर्पस। लेकिन जो नेटवर्किंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता वो है विंडोज 3.1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बाकी सबका प्रयोग हम कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, लेकिन 3.1 का नहीं, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड इन स्टार्टिंग अ विंडोज। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं तो कौन सा ऐसा मोड है जिसके द्वारा हम विंडोज को ऑन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज स्टार्ट करने के लिए मोड नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट है, सेफ मोड ये भी है, नॉर्मल मोड ये भी है, टर्बो मोड ये नहीं है। तो जब भी हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, सेफ मोड के द्वारा भी कर सकते हैं F8 दबा के, और नॉर्मल मोड के द्वारा भी तो करते हैं। टर्बो मोड इज द रॉन्ग आंसर, ये गलत है, याद रखिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, अगर हम सिस्टम को बूट करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा भी, ब्लैक स्क्रीन के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है, CMD के द्वारा, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। ये काम हम सेफ मोड के द्वारा भी कर सकते हैं, F8 दबा के बूटिंग के समय, जब सिस्टम बूट हो रहा है उस समय हमने F8 दबा दिया और F8 करके सेफ मोड में हम अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं और उसमें जो ड्राइवर्स में जो कमियां आ गई उसको रिकवर करके ऑन कर सकते हैं सेफ मोड में। तीसरा तरीका है नॉर्मल मोड, जो अक्सर हम लोग करते ही हैं ऑन करके, है ना, तो ऐसे भी करते हैं। तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं। ये हो गए बेस्ट 25 क्वेश्चंस। तो आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया
मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट मोड फॉर विंडोज टू स्टार्ट, विंडोज के स्टार्ट होने के लिए इनमें से कौन सा डिफॉल्ट मोड है। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं, तो इसमें से जो बाय डिफॉल्ट मोड है वो कौन सा है? कमांड प्रॉम्प्ट, सेफ मोड, नॉर्मल मोड या नन ऑफ दीज? कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर अगर पता हो तो। नहीं पता तो अगले सेशन में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। सेशन कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो तो मुझे बताइएगा कि सर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक बार टॉपिक वाइज पढ़ लिया जाए कॉन्सेप्ट को, जो भी आपके सिलेबस में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज लगा के देख लिए जाएं, ताकि कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो एग्जाम में कितना भी टफ बने हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाए। अगर कुछ इस उम्मीद से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को वाया गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 60 प्लस वीडियो, 70 प्लस आवर्स का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यहीं पर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, या जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है स्टार्टिंग पर, वहां जाकर भी आप हमें अपनी राय, अपनी सजेशंस, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।